गिरी ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है लास्ट टाइम हमने पोटेंशियो मीटर का प्रिंसिपल स्टडी किया था विस्टोन मीटर ब्रिज हो चुका था उसके बाद हमने स्टडी किया था पोटेंशियो मीटर का प्रिंसिपल क्या स्टडी किया था उसमें कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो जितना लेंथ बढ़ेगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा और पोटेंशियल इज इक्वल टू के इन टू एल वेर के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट

तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल दो ईएमएफ का दो सेल का ईएमएफ अगर हमें कंपेयर करना है तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं टू मेजर और टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल तो इसमें दो मेथड है इसमें क्या है दो मेथड है एक हमारा नॉर्मल मेथड जिसमें हम एक एक सेल कनेक्ट करते हैं एंड एक एक सेल का ई फाइंड आउट करते हैं दूसरा जो मेथड है उसे कहा जाता है सम एंड डिफरेंस मेथड तो पहले हम जो इंडिविजुअल मेथड है उसका स्टडी करेंगे ठीक है कंपेरिजन ऑफ एफ बाई इंडिविजुअल मेथड इंडिविजुअल सिंगल सिंगल सेल का हम मेथड कनेक्ट करेंगे अब देखो यहां हमने सर्किट डायग्राम निकाला है मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूंगा सर्किट डायग्राम को शॉर्ट में देन आप बुक में रीड करना और उसके पॉइंट लिख लेना कंस्ट्रक्शन की ठीक है तो क्या किया है यहां हमारा ए बी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी क्या है पोटेंशियोमीटर वायर है इस पोटेंशियल ए पॉइंट को ई एम एफ पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया है एंड बी पॉइंट को निगेटिव टर्मिनल पे लगाया है विथ यूजिंग रे स्टेट एंड की ओके सो ए पॉइंट इज अ हायर पोटेंशियल कंपेयर टू बी ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है. ये समझ में आ गया अब <coughs> पॉइंट पॉजिटिव को कनेक्टेड है एंड देन निगेटिव की एंड रेओ स्टेट ये बी पॉइंट को कनेक्टेड है ये सारा कॉम्बिनेशन सीरीज में है ये सारा कॉम्बिनेशन किस में है सीरीज में है ठीक है देन ए पॉइंट को हमने दो सेल कनेक्ट किए हैं जिसका ई एम एफ एक का है ई वन दूसरे का है ई टू सो एट हायर पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी कनेक्टेड टू सेल्स हुज पोटेंशियल हैज टू बी डिटरमाइन और जिसका पोटेंशियल हमें कंपेयर करना है वैसे दो सेल हमने लगाए E1 एंड ठीक है Then, E1 का A को है E1 और E2 के पॉजिटिव कनेक्टेड है कनेक्टेड है देन निगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 वन एंड ए टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 वन एंड ई टू कनेक्टेड टू की के वन एंड के टू किसको कनेक्टेड है निगेटिव टर्मिनल के वन एंड के टू कॉमन टर्मिनल ऑफ की इन दोनों का जो कॉमन टर्मिनल होगा कॉमन टर्मिनल ऑफ की इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी ये समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आ गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है ए भी हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है उसको ई एम एफ सोर्स की एन आर कनेक्टेड है आर एच रेटेड कनेक्टेड है देन ए पॉइंट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई वन एंड ई टू कनेक्टेड है निगेटिव टर्मिनल के वन के टू को कनेक्टेड है उसका कॉमन जो पॉइंट है वो गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू जॉकी कनेक्टेड है तो जैसे अब ई का वैल्यू ई वन और ई टू से ग्रेटर होना चाहिए ये हमेशा याद रहना चाहिए ये जो ई e है ये हमारा ई e, जो प्राइमरी सेल है उसका वैल्यू हमेशा ई वन और ई टू से ग्रेटर होना चाहिए ठीक है तभी हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं तो इसका वैल्यू कम होगा इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो वायर में ए बी में पोटेंशियल कम होगा तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते सो so, इसका पोटेंशियल इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए हमेशा याद रहना चाहिए ठीक है चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन हो गया अब नाउ की के एंड की के वन क्लोज एंड की के टू ओपन ठीक है क्या किया हमने अब के को क्लोज कर दिया और के वन को क्लोज कर दिया किसको क्लोज कर दिया हमने के वन को क्लोज कर दिया नाउ सेल 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 वन नाउ इन सर्किट अब सर्किट में कौन सा सेल आ गया ईवन कनेक्ट हो गया ईवन कनेक्ट होगा अब क्या करेंगे हम नाउ जॉकी को वायर पे टच करेंगे जोकी को वायर को टच करेंगे तो जैसे जैसे हम टच करते जाएंगे लेंथ बढ़ता जाएगा देखो जैसे जैसे हम टच करेंगे लेंथ बढ़ता जाएगा एज लेंथ इंक्रीजेस एज लेंथ इंक्रीजेस पोटेंशियल इंक्रीजेस पोटेंशियल जैसे ही सेल का पोटेंशियल और वायर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा दोनों का पोटेंशियल सेम क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है ना इसका पोटेंशियल तो तो करंट फ्लो करना स्टॉप हो, हो जाएगा और गैलवानोमीटर हमें क्या देगा नल डिफ्लेक्शन क्या देगा नल डिफ्लेक्शन तो आ गया ये लेंथ हो गया हमारा एलवन ये लेंथ क्या हो गया हमारा एलेवन नाउ और गैलवेनामीटर शोज हम लिखेंगे गैलवेनामीटर शोज नल डिफ्लेक्शन at point at point so L one is length between L one is length between A and null point

वन इज इक्वल टू के एलेवेन ये हो गया हमारा फर्स्ट केस ये हो गया हमारा फर्स्ट केस इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं हम अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर वन अब हम आते हैं नेक्स्ट केस पे अब इसको मैं हटा देता हूं अब नेक्स्ट नाउ की के एन के टू क्लोज अब कौन सी की क्लोज करने वाले हैं हम नौ की के एन की के टू क्लोज एंड की वन ओपन अब हमने इस की को क्लोज कर दिया के टू चलो अब सर्किट में कौन सा आ गया सेल ई टू सेल सर्किट में आ गया ई टू सेल सर्किट में आ गया देन हम क्या करेंगे जॉकी से टैपिंग करना स्टार्ट कर देंगे जॉकी से टैपिंग करना स्टार्ट करेंगे जैसा लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा सेल का पोटेंशियल और वायर का पोटेंशियल सेम हो गया सेल का पोटेंशियल और वायर का पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट फ्लो करना स्टॉप कर देगा तो यहां हमें मिलेगा नल पॉइंट क्या मिलेगा नल पॉइंट नल पॉइंट और इसका लेंथ होगा एल टू अब वायर से करंट फ्लो करना स्टॉप हो गया इस पॉइंट पे एल टू डिस्टेंस पे तो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा तो ई एम एफ इन दोनों का सेम होगा ई एम एफ इन दोनों का सेम होगा ये समझ में आ रहा है ईएमएफ एम इन दोनों का सेम होगा तो अब सेम पॉइंट सेम एज इट इज यहां पॉइंट हमें कवर करने हैं ठीक है तो हमने क्या किया देखो अब इसको क्लोज किया तो नेक्स्ट नाउ के एंड की के टू इज क्लोज की वन इज ओपन की वन इज ओपन तो अब सेल ई टू सेल ई टू नाउ इन सर्किट कौन सा सेल आ गया ए टू सेल्स अब सर्किट में आ गया ए टू सेल सर्किट में आ गया शोज नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन एट अ सर्टन पॉइंट एट अ पॉइंट देन थ एल टू इज एल टू इज लेंथ बिटवीन एल टू इज लेंथ बिटवीन किसके बीच की लेंथ है ये ए एन नल पॉइंट ए एन नल पॉइंट देर फोर एल टू करेट स्पॉन्ट टू E2 कितने पोटेंशियल को दिखाता है L2 E2 को एंड देर फोर ई टू इज इक्वल टू के एल टू इक्वेशन नंबर टू अब हमें कंपैरिजन करना है दोनों सेल में तो दोनों को डिवाइड कर दो नाउ इक्वेशन वन डिवाइड बाय इक्वेशन टू इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू दोनों को हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वेशन वन हमारा क्या था ई वन के एल वन डिवाइडेड बाई के एल टू अब ये दोनों इक्वेशन डिवाइड हो रहे तो के कट हो गया देर फोर ई वन बाई टू इज इक्वल टू एल वन बाय टू यह हो गया कंपेरिजन ये हो गया, comparison, ये हो गया कंपैरिजन समझ में आ गया इन बाई इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू तो इस तरह से हम ले तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं तो ये हो गया हमारा पहला मेथड ये हो गया हमारा पहला मेथड इंडिविजुअल सेल का पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया एंड देन हमने क्या किया दोनों को डिवाइड किया तो दोनों सेल को हम क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं दोनों सेल को हम क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं तो ये समझ में आया अब आते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे मेथड सेकेंड मेथड सेकेंड इसको कहा जाता है सम एंड डिफरेंस मेथड इसे कहा जाता है सम एंड डिफरेंस मेथड सम एंड डिफरेंस मेथड सम एंड डिफरेंस मेथड क्या होगा इसमें सम और डिफरेंस अब सम और डिफरेंस का मीनिंग आप समझ लो सम एंड डिफरेंस का मीनिंग समझ लो कंपेयर करने के लिए वेन अगर हमारे पास दो सेल है अभी हमने दो सेल लिए थे अगर दो सेल इस तरह से कनेक्ट होते क्या है पॉजिटिव नेगेटिव positive negative so positive of one cell connected to negative terminal of another cell okay. positive terminal of one cell one cell is connected to नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑफ अनदर सेल देन इट इज नोन एज अ अमेट इस केस में अगर ये ई वन है ये ई टू है तो हम कैसे लिखेंगे इस केस में ई एम एफ क्या हो जाएगा देन टोटल ई एम एफ टोटल ई एम एफ इज इक्वल टू वन प्लस ई टू टोटल ई एम एफ कितना होगा ई वन प्लस ई टू तो इसे कहा जाता है सम मेथड इसे कहा जाता है सब अब डिफरेंस मेथड अब डिफरेंस मेथड इस तरह से होगा ई वन ई टू और बोथ निगेटिव टर्मिनल ऑफ टू सेल और बोथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टू सेल कनेक्टेड टू अदर बोथ निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ टू सेल कनेक्टेड टू ईच अदर कनेक्टेड टू अदर तो इसे हम क्या कहेंगे इसे कहेंगे हम डिफरेंस मेथड डिफरेंस मेथड इसे कहा जाता है डिफरेंस मेथड तो इस केस में हमारा टोटल ई क्या होगा टोटल ई एम एफ दन माइनस ई टू ई वन माइनस ई टू पर इस केस में हमें पता होना चाहिए कि ईवन इज ग्रेटर देन ई टू ईन इज ग्रेटर देन ई टू तो टोटल हमारा क्या होगा E1, E2, याद रखना है। so, पता चल गया, होता है और दोनों सेल के निगेटिव टर्मिनल या दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल अगर हम कनेक्ट करते हैं तो सब्सट्रैक्शन होता है इसे कहते हैं डिफरेंस मेथड तो ये, ये सम मेथड अब ये मेथड यूज करके वापस हमें कंपेयर करना है ये मेथड हम यूज करेंगे और क्या करेंगे कंपेयर करेंगे ठीक है वापस हमारा सेम मेथड अब हमने डायग्राम ड्रॉ किया है हमारे पास ये डायग्राम है देखो ए एन बी पोटेंशियोमीटर वायर ए एन बी पोटेंशियोमीटर वायर ए इज कनेक्टेड टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज हायर देन पोटेंशियल ऑफ वायर बी और पोटेंशियल ए कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल ऑफ बैटरी इ एंड बी कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ई तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ई e के बाद के और रेहोस्टेड भी रहेगा ये तो है हमें पता होना चाहिए ए एंड बी कनेक्टेड है थ्रू बैटरी रेहोस्टेड एंड यह पता चल गया देन ए पॉइंट को हमने दो सेल कनेक्ट किया एज शोन इन फिगर ठीक है तो यहाँ हमने फोर वे की का यूज किया है टर्मिनल ऑफ फोर वे की इज कनेक्टेड टू ईवन एंड सेकेंड एंड थर्ड इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड इन दोनों पॉइंट में हमने E2 को कनेक्ट किया है एंड ईवन के अपोजिट गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू जॉकी को कनेक्शन दिया गया है गैल्वेनोमीटर टू जॉकी तो ये हमारा सेटअप है ये हमारा सेटअप है ये समझ में आ गया हर बार सेटअप सेम रहेगा देखो वायर और ये कनेक्शन तो सेम है सिर्फ एक को जो लगने वाले कंपोनेंट है वो अलग है अब बुक में आपके डायग्राम उल्टा दिया गया है बुक में आपके डायग्राम उल्टा दिया गया हमने इस तरह से ड्रॉ किया।, इस किया।, तो तो किया है आपका कंफ्यूजन नहीं होगा ठीक है इसका कैलकुलेशन सम मेथड एंड डिफरेंस मेथड तो पहले क्या होगा पहले हम क्लोज करेंगे कि K1 वन एंड के को हम क्लोज करेंगे नाउ क्लोज क्लोज की के वन एंड के थ्री ठीक है अब के वन और के थ्री को भी हम क्लोज कर लेंगे ये के वन और के थी क्लोज ठीक है अब डायग्राम देखो कैसे हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट ए हमने स्टार्ट किया वायर ए पॉइंट से ई वन को आगे ई पॉइंट से ई वन को आगे देन ए वन से चले गए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई टू तो ये आ गए हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई टू उसके बाद थ्री और थ्री से गैल्वेनोमीटर यहां से आएंगे ये गैल्वेनोमीटर नेगेटिव टर्मिनल किसको कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू जॉकी तो देखो पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल सो निगेटिव टर्मिनल ऑफ ई वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई टू तो ये कौन सा मेथड हो गया सम मेथड कौन सा मेथड हो गया ये सम मेथड ई वन और ई टू को हमने कनेक्ट कर दिया सो so, ये हो गया हमारा सम मेथड सो टोटल ई एम एफ इज इक्वल टू इस केस में टोटल ई एम एफ क्या हो जाएगा देर फोर ई वन प्लस ई टू वन प्लस ई टू ये समझ में आ गया अब ये ई वन और ई टू हो गया अब हम क्या करेंगे वायर पे हम टैपिंग करना स्टार्ट कर देंगे वायर पे टैपिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो एक सर्टन पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिल जाएगा सर्टन पॉइंट पे नल पॉइंट नल पॉइंट का मीनिंग अब आपको समझ में आ गया e1 और ई प्लस ईवन प्लस ई टू का पोटेंशियल जहां मैच करेगा वो लेंथ हमें मिल जाएगा सो एट सर्टन पॉइंट वी गेट नल पॉइंट अब हमें नल पॉइंट मिल गया तो वन इज लेंथ बिटवीन किसके बीच का लेंथ है ये लेंथ बिटवीन ए एंड नल पॉइंट एंड एल वन करट स्पॉन्फ ई वन प्लस ई टू एंड देर फोर ईवन प्लस ई टू इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला ए एलवन ए एलेवन ये समझ में आ गया जे मैं थर्ड समझ में आ गया अब नेक्स्ट चलो अब हम कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर नाउ क्लोज की के टू एंड के फोर किसको हम क्लोज कर रहे हैं के के टू एंड फोर ने कनेक्ट कर लिया तब डायग्राम देखो क्या होगा हम ए से स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए से हमने स्टार्ट कर लिया पहले आ रहा है पॉजिटिव देन निगेटिव टर्मिनल ऑफ ई वन पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल देन यहां से नीचे से ये ऊपर जा रहा है निगेटिव टर्मिनल ऑफ ए टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ ए टू पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल आ गया पॉजिटिव टर्मिनल से हम जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर पॉजिटिव टर्मिनल से हम जा रहे हैं गैलवाना एंड गेलवाना से जो के से जो ये समझ में आ गया सो so, यहां क्या हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ई वन कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ई टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ई वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इ टू एंड देर फोर ये कौन सा मेथड हो गया डिफरेंस डिफरेंस मेथड एंड इस केस में टोटल ई एम एफ हमारा क्या होगा ई वन माइनस ई टू ये हो गया हमारा टोटल ई एम एफ अब हम क्या करेंगे वायर ए पे टैपिंग करना स्टार्ट कर देंगे जो कि से हम टैपिंग करना स्टार्ट कर देंगे एट सर्टन लेंथ एल टू एट सर्टन लेंथ एल टू वी गेट नल पॉइंट एट लेंथ एल टू फ्रॉम ए वी गेट वी गेट नल पॉइंट सो एल टू Length from A to null point. Okay. A to null point. So, what L2 corresponds to EMF E1 minus E2, and therefore E1 minus E2 is equal to एल टू इक्वेशन के एल टू इक्वेशन सेकेंड वेयर के इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वेयर के इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट अब सेम दोनों को क्या करना है हमें डिवाइड करना है दोनों को क्या करना है हमें डिवाइड करना है नाउ डिवाइड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू डिवाइड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू इक्वेशन वन ई वन प्लस ई टू डिवाइडेड बाई ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू के एल वन एंड के एल टू अब इसके बाद हमें लेना है कंपोनडो एंड डिविडेंडो यूजिंग एंड डिविडेंडो मेथड यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड वी गेट ई वन बाय ई टू इज इक्वल टू के कट हो गया एल वन प्लस एल टू एल वन माइनस एल टू ये आ गया सम एंड डिफरेंस मेथड से हमारा ई वन बाई टू कंपेरिजन ऑफ टू से तो सम और डिफरेंस समझ में आ गया सम को असिस्ट भी कहा जाता है सम को असिस्ट कहा जाता है और दूसरा जो डिफरेंस है उसको अपोज कहा जाता है इसको भी याद रखो अगर इस तरह से कंडीशन है इसको असिस्ट भी कहते हैं क्या कहते हैं असिस्ट और इसको अगर इस तरह से कनेक्टेड है तो इसको अपोज भी कहते हैं तो ये दोनों वर्ड याद रखो असिस्ट और अपोज असिस्ट और अपोज कभी कभी असिस्ट टू सेल्स आर असिस्ट टू इच अदर असिस्ट मीन सपोर्ट कर रहे एक दूसरे को ये याद रखो तो कभी कभी क्वेश्चन आपको उस टर्म में पूछा जाएगा असिस्ट एंड अपोज के टर्म में भी तो ये समझ में आ गया अब हमने कंपैरिजन के दो मेथड स्टडी किए ई वन बाय इंडिविजुअल मेथड और दूसरा सम एंड डिफरेंस मेथड तो हम सेल को कंपेयर कर सकते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल अब हमें क्या फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल तो उसके लिए भी सेम सेटअप है देखो सेम सेटअप आपको दिया गया है तो यहां भी कंसिडर वायर ए बी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर वायर ए बी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर देन पॉइंट ए कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल ऑफ बैटरी एंड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव पोटेंशियल थ्रू के की थ्रू की के वन एंड रेहोस्टेट तो बी निगेटिव पोटेंशियल पे थ्रू के वन एंड रेहोस्टेट ये समझ में आ गया तो ए बी पोटेंशियो मीटर वायर सेल को कनेक्टेड है के वन को कनेक्टेड है और रेहोस्टेट को कनेक्टेड है सीरीज में नॉइंट एट पॉइंट ए वी कनेक्ट दोर्स ई वन or another cell of emf e1 and internal resistance r1 okay internal resistance r1 at point a at point a we connected e1 cell E1 of internal resistance of internal resistance R. We find internal resistance R okay internal resistance R and this then cell then cell connected to गैलवेनामीटर एंड जॉकी जे तो ये वापस सेल इंटरनेशन देन इट इज कनेक्टेड टू गैलवेमीटर एंड जॉकी गेलवेनामी एंड जॉकी देन अब सेल इवन को पैरेलल में हमने क्या लगाया है रेजिस्टेंस बॉक्स नाउ रेजिस्टेंस बॉक्स आर थ्रू के के टू थ्रू की के टू कनेक्टेड पैरल टू ईवन ईवन को पैरल में यह कनेक्टेड है ठीक है यह सेटअप समझ में आ गया अब अब हम क्या करेंगे नउ की के वन क्लेवन क्लोज के वन को क्लोज किया एंड के टू ओपन के वन को क्लोज किया और के टू को हमने ओपन रखा है के टू को हमने ओपन रखा है तो इसको अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है इसको हमने कनेक्ट नहीं किया है तो ये हम अब ये अभी ओपन है ठीक है तो ये K1 को क्लोज कर दिया तो अब करंट फ्लो करेगा तो सर्किट में कौन आ जाएगा नाउ सेल E1 इन सर्किट सेल इन इन सर्किट अब इवन सर्किट में आ गया अब हम क्या करेंगे जॉकी से टैपिंग करेंगे एक सर्टन पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिल जाएगा तो वो लेंथ होगा हमारा एलवन अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं एलवन एलवन इज लेंथ एलवन इज लेंथ Between A and null point. So, L1 corresponds to E1, and therefore, E1 is equal to KL1, equation 1, where K is a potential gradient of wire, where K is potential gradient of wire. ये समझ में आ गया अब हम क्या करेंगे K1 और K2 दोनों को क्लोज कर देंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स भी क्या आ जाएगा अब सर्किट में आ जाएगा नाउ क्लोज की K1 वन क्लोज एंड की K2 टू क्लोज दोनों भी हमने क्लोज कर दिया नाउ कौन कौन सर्किट में आ गया सेल ई वन रेजिस्टेंस बॉक्स आर रेजिस्टेंस बॉक्स आर इन सर्किट ये दोनों भी सर्किट में आ गए अब इसके वजह से क्या हो जाएगा नाउ पोटेंशियल ऑफ सर्किट इज V. अब रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया तो इसका ई एम एफ डाउन होगा तो अब इसकी जगह क्या आ जाएगा पोटेंशियल वी आ जाएगा पोटेंशियल वी आ जाएगा अब वन हम क्या करेंगे? से टैपिंग करेंगे हमें लेंथ मिलेगा एल टू हमें लेंथ क्या मिलेगा एल टू तो एल टू इज लेंथ बिटवीन ए एंड नल पॉइंट क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना क्या हो गया पहले सिर्फ ई एम एफ सोर्स था कनेक्ट अब रेजिस्टेंस भी आ गया तो इस सर्किट से करंट फ्लो करेगा तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल कितना हो जाएगा v. अब इस सर्किट का पोटेंशियल कितना है v. इस सर्किट का पोटेंशियल कितना है v है अब जैसे ही हम टैपिंग करेंगे जैसे ही पोटेंशियल वायर का वी हो जाएगा और सर्किट का भी वो इक्वल हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा वो लेंथ कौन सा होगा एल टू वो लेंथ क्या होगा एल टू सो नाउ देर फूट एल टू corresponds to V, and therefore V is equal to K L two. V is equal to K L two equation number two. Equation number two. ये समझ में आ गया ई वन और v दोनों आ गए वेर के इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट तो इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू इक्वेशन वन डिवाइड बाई इक्वेशन टू क्या हो जाएगा E1 अपॉन वी इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू इक्वेशन नंबर थ्री याद रखो ई वन अपॉन वी इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू अब कंसिडर करो इन सर्किट पी क्यू एस टी इन सर्किट पी क्यू एस टी इन सर्किट पी क्यू एस टी पी क्यू एस टी ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू एस टी यहां यहां बैटरी है ये है हमारा स्मॉल रेजिस्टेंस आर देन ये की हमारा क्लोज है के टू यहां है रेजिस्टेंस आर पी क्यू एस टी और यहां से फिर गैल्वेनोमीटर है यहां से क्या है गैल्वेनोमीटर उसको छोड़ दो हम इस सर्किट का ही आ, सोच रहे पी क्यू के बारे में तो पी में देखो ये है हमारा E1 तो अगर हम ओम्स स्लो अप्लाई करेंगे इन सर्किट ईवन ईवन इज इक्वल टू अब इसमें से करंट अगर फ्लो कर रहा है I करंट क्या फ्लो कर रहा है I पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है I ठीक है तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा I इन रेजिस्टेंस आर प्लस आर करेक्ट है ये इलेवेंथ में फॉर्मूला हमने स्टडी किया है ये फॉर्मूला हमने इलेवंथ में स्टडी किया है अप्लाई कर दिया यहाँ यहाँ देर फॉर इन इज इक्वल टू आई आर प्लस आर प्लस आई आर ये आ गया देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सर्किट का पोटेंशियल कितना है बट वी इज इक्वल टू आई आर ये भी हमें पता है इज इक्वल टू आई आर पोटेंशियल इज नथिंग बट आई आर ये भी हमें पता है तो अब दोनों को डिवाइड करते हैं तो इन दोनों डिवाइडेड बाय आई आर तो यहां क्या हो जाएगा आप ई वन बाई टू लेकिन हमें पता है इस केस में E1 वन बाई वी क्या होता है L1 वन बाय एल टू एल वन अब तीनों को कंपेयर करते हैं ये तीनों करेक्ट है वन बाई वी वन बाई वी वन बाई वीवल टू एल वन बाई एल टू ईन बाई वी इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू और ये फॉर्मूला हमने डिवाइड करके फाइंड आउट किया अब इस इतना ही हम फॉर्मूला का स्टडी करते हैं इसको ही रीअरेंज करते हैं तो अब देखो आई आर डिवाइडेड बाय आई आर प्लस आई आर डिवाइडेड बाई आई आर इज इक्वल टू एल वन एल टू तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ आई आई कट जाएगा तो बचेगा का आई आर ये हो गया प्लस वन यहाँ ये कट गया तो यहाँ आएगा प्लस वन इज इक्वल टू एल वन एल टू तो अब आर अपॉन आर इज इक्वल टू एलवन बाई एल टू माइनस वन एंड आर बाय आर और आर इज इक्वल टू आर एलवन अपॉन एल टू माइनस वन ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ठीक है तो इस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें आर का वैल्यू पता है और हमें दोनों लेंथ L1 और एल टू दोनों लेंथ पता है तो इस तरह से हम स्मॉल आर का वैल्यू निकाल सकते हैं यह समझ में आ गया ठीक है अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर का यूज कहां कहां होता है पोटेंशियोमीटर का यूज कहां होता है तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका वोल्टेज डिवाइडर हर एक कंपोनेंट को सेम वोल्टेज नहीं लगता कभी कम ज्यादा लगता है कभी क्या लगता है कम ज्यादा तो हमें जितना डिजायर वोल्टेज है उतना वोल्टेज अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं उस पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं कैसे करेंगे कि मेरे पास अभी सेल है ये है सेल ई इसका रेजिस्टेंस होगा आर रेजिस्टेंस है आर या हम कैपिटल आर लेते हैं रेजिस्टेंस आर अब इसको मैंने एक वायर में कनेक्ट कर दिया ए बी वायर को ए बी वायर सपोज ये ट्वेल्व वोल्ट है तो इसमें भी कितना आ गया ट्वेल्व वोल्ट आ गया इसमें भी कितना वोल्टेज ट्वेल्व वोल्ट आ गया अब ट्वेल्व वोल्ट मुझे डिवाइस को चलाने के लिए नहीं चाहिए उससे कम चाहिए तो हमें पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन पता है पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो मैं क्या करूंगा यहां डिवाइस लगाऊंगा और जितना पोटेंशियल चाहिए उस हिसाब से मैं लेंथ उतना ले लूंगा मैं क्या ले लूंगा उतना लेंथ पॉइंट पी तो ये लेंथ होगा मेरा एल वन और ये होगा मेरा एल टू लेंथ होगा मेरा एल टू ठीक है ये समझ में आ गया तो अब तो जितना डिवाइस में ए बी में कितना था टोटल वोल्टेज सपोज हम मानते कि इसका टोटल वोल्टेज भी है इसका टोटल वोल्टेज कितना है V मुझे चाहिए V1 मुझे चाहिए V1 और यहाँ होगा V2 तो यहाँ होगा V1 V2 तो V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू तो पोटेंशियल क्या हो गया डिवाइड जिसको जितना मुझे डिवाइस को चाहिए उस हिसाब से मैं इस स्लाइडर को स्लाइड करूंगा उस हिसाब से इस स्लाइडर को स्लाइड करूंगा जैसे जैसे स्लाइडर स्लाइड होता जाएगा पोटेंशियल क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा और जितना मुझे डिजायर पोटेंशियल है इस स्लाइडर के हिसाब से मैं मुझे मिल जाएगा स्लाइडर के हिसाब से मुझे मिल जाएगा तो ये समझ में आ गया पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट पोटेंशियल डिवाइडर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k यहाँ पोटेंशियल kl1 और v2 क्या हो जाएगा kl2 और k क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट तो यहाँ हम लिख सकते हैं dv by dl v1 इज इक्वल टू यहां v2 इज इक्वल टू dv dl l2 ये भी पोटेंशियल तो यहां पोटेंशियल v1 है यहां पोटेंशियल v2 है समझ में आ गया तो अगर हम स्लाइड करेंगे तो इस तरह से हमें पोटेंशियल मिल जाएगा दूसरा हमें ऑडियो कंट्रोल एप्लीकेशन है। ऑडियो कंट्रोल तो आपने देखा होगा ऑडियो कंट्रोल करने के लिए इक्विलाइजर होता है तो उसके लिए नॉब होते हैं घुमाने के लिए तो आवाज कम ज्यादा होता है बेस कम ज्यादा होता है या फिर उसके लिए होते हैं स्लाइडर ऊपर नीचे आगे पीछे करने के लिए स्लाइडर डीजे में आपने देखा होगा स्लाइडर ऊपर नीचे करते हैं या गोल गोल घुमाने वाले स्लाइडर होते हैं तो अब क्या करते हैं इस स्लाइडर को उसको कनेक्ट कर देते हैं स्लाइडर को क्या करते हैं उस ऑडियो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ हमारा डिवाइस कनेक्ट है जैसे ही हम नॉक को घुमाएंगे या स्लाइड करेंगे तो उस हिसाब से स्लाइडर आगे पीछे होगा और उस हिसाब से फिर पोटेंशियल के हिसाब से फिर हमारा साउंड एनहांस होगा बेस एनहांस होगा या फिर अनदर जो आप बोल रहे हो उसकी क्वालिटी एनहांस होती जाएगी तो नॉब की वजह से क्या हो जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को एट्यूनेट कर सकते हैं लाउडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं तो ऑडियो कंट्रोल में भी इसका यूज होता है एंड थर्ड सेंसर थर्ड क्या है हमारा सेंसर्स तो सेंसर में हमारा यूज किया जाता है तो जो घूमने वाले डिवाइस है अगर हमें सेंस करना है तो जो भी मूविंग पार्ट है उसको हम स्लाइडर लगाएंगे मूविंग पार्ट को हम क्या करेंगे स्लाइडर लगाएंगे सपोज एक मशीन रोटेट कर रहा है तो उसको हमने स्लाइडर लगा दिया और यहाँ हमने कुछ रख दिया तो जैसे ही स्लाइड करेगा तो हमें पता चलेगा कि कितना रोटेशन हो रहा है कितना वोल्टेज में चेंज हो रहा है यहाँ आ गया जीरो वापस इंक्रीज हो गया वापस जीरो एक रोटेशन वापस इंक्रीज हो गया दो रोटेशन तीन रोटेशन तो जैसे पोटेंशियल चेंज होगा उस हिसाब से हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसका स्लाइडर को अगर हम मूविंग डिवाइस से कनेक्ट करते हैं मूविंग पार्ट से कनेक्ट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं सेंस कर सपोज मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है मुझे क्या फाइंड करना है वो ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है तो स्लाइडर को मैं उस डिवाइस से कनेक्ट कर दूंगा स्लाइडर को तो जैसे जैसे ये स्लाइडर आगे जाएगा वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और उस पोटेंशियल को मैं कैलिब्रेट करूंगा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इतना ये मूव हुआ है इतना डिवाइस मूव हुआ है तो उस हिसाब से हम पोटेंशियल मीटर का एज अ स्लाइडर तो अगर डिवाइस लगाएंगे तो एज अ सेंसर हम इसका यूज कर सकते हैं एज अ सेंसर हम इसका यूज कर सकते हैं तो ये समझ में आ गया अब आते हैं मेरिट एंड एंडियो पोटेंशियोमीटर के मेरिट एंड पे हम आते हैं कि ये यूजफुल है कि नहीं एडवांटेज एंड and... तो इसके एडवांटेज क्या है पोटेंशियोमीटर के एडवांटेज और वोल्ट मीटर क्या है सो पोटेंशियोमीटर इज अ मोर सेंसिटिव देन अ वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है वोल्ट मीटर से क्या है ज्यादा

पोटेंशियोमीटर का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं ईएमएफ मेजर करने के लिए और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर का होता है लेकिन ग्रेटर होता है आइडियली इनफाइनाइट नहीं होता है तो उसमें से करंट फ्लो करता है तो हम ई एम एफ वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते पोटेंशियोमीटर से जो भी ई एम एफ या वोल्टेज मेजर किया जाता है वो एक्यूरेट होता है वो क्या होता है एक्यूरेट होता है वोल्ट मीटर से करंट फ्लो करता है इसलिए वो एक्यूरेट नहीं होता है तो ये तीन एडवांटेज है ये तीन क्या है एडवांटेज है दूसरा डिसएडवांटेज क्या है पोटेंशियोमीटर बड़ा होता है वोल्ट मीटर छोटा सा होता है तो पोटेंशियोमीटर पोर्टेबल नहीं होता पोटेंशियोमीटर पोर्टेबल नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह आप ले जाने के लिए बड़ा सा डिवाइस जैसे बोर्ड वुडन बोर्ड पे वो वायर लगे रहते हैं तो इतना बड़ा होता है दूसरा पोटेंशियोमीटर डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता पोटेंशियोमीटर डायरेक्ट रीडिंग नहीं आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन लेंथ में से आपको लेंथ में से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको ठीक है तो आपको लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके बाद आपको आंसर मिलेगा लेकिन वोल्ट volt, मीटर में क्या होगा आपने कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर को डायरेक्ट रीडिंग मिल गया तो ये समझ में आ गया तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है आपको डायरेक्टली बुक में दिए गए आप उसका नोट्स बना लो अच्छे से ठीक है ये भी पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन अब देखो हमारे पांच एक्सपेरिमेंट हो गए पहला विस्टोन के दो विस्टोन मीटर के दो हो गए कौन से कौन से एक विस्टोन मीटर का हमारा पहला अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना दूसरा केल्विन मेथड हो गया ठीक है ये दो पोटेंशियोमीटर के हमने तीन में तीन आ, एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट किया कौन से कौन से पहला एक्सपेरिमेंट था हमारा इंडिविजुअल सेल से हमने कंपेयर किया देन हमने टू मेथड सम एंड डिफरेंस मेथड यूज किया थर्ड हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाले तो इस पांच में से एक एक्सपेरिमेंट आपको आ सकता है इस पांच में से आपको एक एक्सपेरिमेंट आ सकता है दूसरा हमने एप्लीकेशन स्टडी किया एप्लीकेशन कभी कभी पूछते एप्लीकेशन कभी कभी पूछते और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बहुत बार पूछा था